सुध बुद खोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई गवाई मैं। नमस्कार दोस्तों, ए जे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर जो आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कुछ इसी तरह से VN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले अपने पोस्ट रहेंगे वो इधर से 5 पोस्ट ऐड कर लूँगा। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने 5 पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से 5 पोस्ट ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इन 5 पोस्ट को कुछ इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से आपको पोस्ट रहेंगे कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक आपके ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको छोटे छोटे पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से मैं पहले अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से, तो यहाँ से मैं अपने दूसरे पोस्ट सभी रहेंगे वो आपको एक एक करके सभी पोस्ट ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से इस वाले पोस्ट को भी ऐड कर लेता हूँ और उसी तरह से इसको आपको कुछ इसी तरह से ऊपर की तरह ऐड करना है, जो कि इधर से अपना इफेक्ट रहेगा वो आप आराम से ऐड कर सकते हो। और यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पोस्ट को आपको कितना ऐड करना है तो उसके हिसाब से आपको इधर क्रॉप वाले ऑप्शन पर करके ऐसे आपको कितना ऑप्शन पर फोटो को करना है। तो ऐसे मैं 1x1 का पोस्ट ऐड कर लेता हूँ और उसी तरह से इसे हम 1x1 में रखेंगे, जो कि हमारा पोस्ट रहेगा वो बहुत ही क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से आपको इधर जो कि ये वाला हम 4.5 पर रख देते हैं। और रखने के बाद दोस्तों इधर आपको कुछ इसी तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से आपको आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पे वापस क्लिक करना है और वापस आपको दूसरा पोस्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं दूसरा भी पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से आपको सभी पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ से दूसरा पोस्ट भी आपका रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही यूनिक लगेगा और यहाँ से मैं दूसरा इफेक्ट भी अपना ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर आपको फ्रेम रहेगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो उसी तरह से आपका जो दूसरा पोस्ट है वो कट ही है तो उसको आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से उसी तरह से आपको सभी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से कर देना है और इस वाले पोस्ट को आपको कुछ इसी तरह से आप थोड़ा जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद इधर की फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने फोटो को कुछ इसी तरह से थोड़ा रोटेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको थोड़ा रोटेट कर लेना है, जो कि पूरा रोटेट ना हो तो हल्का से इसे थोड़ा जूम कर देते तो इधर माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद दोस्तों इसे आप हल्का सा जूम कर देते तो उसी तरह से इस वाला ऑप्शन पर लाके थोड़ा जूम कर देता है। जूम करने के बाद दोस्तों इधर आपको कुछ इसी तरह से आगे की तरह ऑप्शन पर आ जाना है। ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों इधर से अपना इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से थोड़ा रोटेट कर लेना है। तो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों आगे की तरह आ जाना है और आगे की तरह वापस कुछ इसी तरह से आपको रोटेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको थोड़ा उसी तरह और उसी तरह से आपको दोनों उंगली करके कुछ इसी तरह से रोटेट करता रहना है, क्योंकि आपके नीचे आपने 5 पोस्ट ऐड किया तो उनको आपको कुछ इसी तरह से पूरे रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही क्लासिक लगेगा और उसी तरह से आपको कुछ इसी तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इधर से अपने पोस्ट को सेट करना चाहते हो तो इधर से आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पर आपको इधर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसी तरह से मैं इस ग्रीन वाली स्क्रीन को वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से पहले आपको सभी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो इधर से मैं एक और पोस्ट है तो वो भी ऐड कर लेता हूँ, जो कि यहाँ से आपको 3 पोस्ट है तो तीनों पोस्ट ऐड करने के बाद ही आपको ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेना है। उसी तरह से मैं यहाँ से तीसरा पोस्ट है वो भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों वो भी आपको कुछ इसी तरह से क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से कटिंग पोस्ट ही रहेंगे, जो कि ऐसे फुल पोस्ट नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से आपको तीनों पोस्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इस सबसे पहले वाला पोस्ट को आपको कुछ इसी तरह से ऊपर की तरह सेट कर लेना है और नीचे वाले पोस्ट को कुछ इसी तरह से आपको बीच वाले पोस्ट को आपको सभी पोस्टों को कुछ इसी तरह से आपको क्रॉप के हिसाब से सेट कर लेना है, जो कि इधर से ऊपर है तो उसी तरह से आपको
नीचे की तरफ सेट कर लेना है और यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेंगे तो उसी तरह से आपका ग्रीन स्क्रीन वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपके सामने कुछ ही देर में ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आ जाएगा तो इधर से आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, जो कि आपका लिरिक्स रहेगा वो फोटो रहेंगे आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हो। तो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने ग्रीन स्क्रीन फोटो को कुछ इसी तरह से क्लिक करना है। यहाँ से अपने फ़ोटो को आपके जो ग्रीन स्क्रीन भाग वाला है उधर सेट कर लेना है। तो यहाँ से पहले आपका छोटा फोटो रहेगा जो छपते नीचे, ये छोटा वाला फोटो है तो इसे आपको नीचे की तरफ सेट कर लेना है और यहाँ से आपको जितना भी आपका ग्रीन स्क्रीन है उसके हिसाब से फुल कर देना है। तो मैं यहाँ से अपने फ़ोटो को कुछ इसी तरह से ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से कट कर देता हूँ। तो उसी तरह से आपको कट करने के बाद इसे ग्रीन स्क्रीन की तरह सेट कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इस फोटो को सेट किया तो उसी तरह से आपको दूसरे फोटो पर क्लिक करना है और दूसरा वाला फ़ोटो आपका कुछ इसी तरह से रूटेड है तो उसे आपको इसी तरह से सेट कर लेना है। तो उसी तरह से करने के बाद इसे थोड़ा हम छोटा कर देंगे जो कि यहाँ से हमारा फोटो रहेगा वो कुछ इसी तरह से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी पोस्ट रहेंगे वो फोटो रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको कुछ इसी तरह से मैं पहले सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना फ़ोटो रहेगा वो कुछ इसी तरह से मैं आपका ग्रीन स्क्रीन पे आपको की फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका ग्रीन स्क्रीन रहेगा वो आपको हट जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपना फ़ोटो रहेगा वो कुछ इसी तरह से मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जो कि रूटेड ज़्यादा है तो यहाँ से मैं थोड़ा कम रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ से अपना फ़ोटो को कुछ इसी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों ऊपर वाला पोस्ट आपका कुछ इसी तरह रहता है, इसी तरह से उस पोस्ट को भी आपको ऊपर की तरह जो आपका लास्ट वाला पोस्ट है तो वो कुछ इसी तरह से तो उसी को भी आपको रोटेट करके कुछ इसी तरह से कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इस पोस्ट को तीनों पोस्टों को आपको कुछ इसी तरह से आपके इफेक्ट में ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें आपको तीनों में कुछ अलग तरह का एक इफेक्ट रहेगा वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से इसे हम पहले फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद दोस्तों इधर हम ग्रीन स्क्रीन में सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको तीनों इफेक्ट को आपको कुछ इसी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों इधर से आपको सही से सेट कर लेना है, जो कि आपका वीडियो ऊपर नीचे है तो उसी हिसाब से आपको तीनों को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, ग्रीन वाली स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उधर आपको सिंपली इधर आपको एक नीचे की तरफ एक क्रोम का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उधर क्लिक करना है, ऐसे ग्रीन पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। क्योंकि आपका इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपको स्किन कर देना है। क्योंकि स्किन करने के बाद आपका फोटो रहेगा वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आप भी अपने मोबाइल में आसानी से क्लासिक फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, जो कि आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही क्लासिक लगेगा और उसी तरह से इनको आपको कुछ इसी तरह से आपको जो तीन तीन आपने इफेक्ट ऐड किया उसी तरह से आपका आगे की तरह आकर और भी पोस्ट ऐड कर सकते हो। इसमें पोस्ट ऐड करोगे तो आपके फ़ोटो रहेंगे बहुत ही क्लासिक दिखेंगे, क्योंकि मैंने इधर से तीन किए तो इनको मैं पहले फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको फुल कर देना है और ऐसे आपको सभी पोस्टों को कुछ इसी तरह से फुल कर देना है। तो इसे मैं थोड़ा और फुल कर देता हूँ और उसी तरह से आपको सभी पोस्ट रहेंगे वो फुल कर देना है। उसी तरह से फुल करोगे तो आपका इफेक्ट बहुत ही क्लासिक लगेगा और इस एंडिंग वाले भाग को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों इन पोस्ट को आपको जितना भी आपका म्यूजिक जितना आपके ये ग्रीन स्क्रीन है उसके हिसाब से इन पोस्टों को भी बड़ा कर देना है, जो कि यहाँ से मैं इन पोस्टों को आप जितना बड़ा करोगे उतने बड़े हो जाएंगे। इधर से देख सकते हो आप इनको ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर देना। उतना करने के बाद दोस्तों इन पोस्टों में आप इफेक्ट ऐड करना चाहो तो इधर आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे जाना है और इधर से पहला इफेक्ट रहेगा वो पहला इफेक्ट आपको कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से ये वाला इफेक्ट पहला इफेक्ट ऐड कर लेना है, जो कि आपके इफेक्ट में बहुत ही क्लासिक दिखेगा और उसी तरह से मैं इधर सब में वो वाला इफेक्ट ही ऐड करूँगा, जो कि पहले मैं आपको सभी में ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको अपने वीडियो को कट कर देना है, जो कि यहाँ से आपको कम से कम 3 सेकंड पे आ जाना है और 3 सेकंड पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को कट करना है और यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम इधर से 6 सेकंड पे आकर इधर वीडियो को वापस कट करना है। उसी तरह से आपको अपने वीडियो को कुछ इसी तरह से एडिटिंग कर लेना है। तो यहाँ से 6 सेकंड पे आ गए तो वापस कट करना है तो इधर से अपना इफेक्ट रहेगा
वो इफेक्ट अलग रहेगा। तो इधर से आपको इफेक्ट रहेगा वो ये साइड राइट का इफेक्ट है, ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से इधर आपको अपना इफेक्ट रहेगा जो कि इसमें आपका इफेक्ट्स में क्लिक करना है, और इधर से अपना इफेक्ट रहेगा तो वो आपको कुछ इसी तरह से साइड राइट का ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको तीनों इफेक्ट जो आपके तीनों पोस्ट है उसमें आपको कुछ इसी तरह से कर देना है, जो कि मैंने पहले में किया उसी तरह से आपको तीनों में ऐड कर लेना है। और उसी तरह से इधर भी आपको एंड वापस इस वाले ऑप्शन पे आके इधर से 9 सेकंड पे आके इधर से आपको कुछ इसी तरह से 9 सेकंड पे आ जाना है, और इधर से कट कर देना है, और इधर से पहला वाला हमने जो इफेक्ट्स में क्लिक करना है और पहला वाला हमने जो इफेक्ट ऐड किया था उसी तरह से वो का वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में आपका इफेक्ट एक बार वो वाला इफेक्ट और एक वाला एक बार जो जूम आउट आपका जो ये इफेक्ट आपको जो स्विप डाउन वाला और आपको एक इफेक्ट जो आपका साइड राइट वाला है वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में कर देना है, और इधर से आपको आपने जो इफेक्ट पहले ऐड किया इधर ये वाला इफेक्ट आपको कुछ इसी तरह से आपको इन पोस्टर सभी पोस्टर में नीचे वाले जो पोस्टर दिख रहे हैं उधर आपको सभी इफेक्ट में आपको कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है या से यस पे, जो कि ऐसे आपको एक लिरिक्स वीडियो और ऐड कर लेना था। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको एक लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं ऐसे एक लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने लिरिक्स वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका लिरिक्स वीडियो रहेगा, कुछ ही देर में उधर शो हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको नीचे की तरह आपको कुछ इसी तरह से साइड की तरह सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को आपको कुछ इसी तरह से कर देना है, और उसे इसे आपको कुछ आगे की तरह सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ऑप्शन ब्लेंडिंग का देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है या इसे आपको वापस स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक लगेगा, और उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा बहुत ही क्लासिक देखने को मिल जाएगा। और इधर से आप इस वीडियो को आपको थोड़ा जूम करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद इधर सेट कर लेना, जो कि यहाँ से नीचे की तरह सेट कर लेना, जो कि आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक दिखेगा। और उसी तरह से आप अपने स्टेटस को आसानी से एडिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।